आप कोई बच्चे थोड़े ना है कि आपने पैसे गिरा दिए, वो तो आप केयरलेस है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपके पैसे हैं, आप संभाल के रखिए, संभाल के जाइए। अब हर चीज के जिम्मेदार टीम इंडिया थोड़े ना है। अब आज तो मैडम बारिश हो रही है, देखो अगर आज जाएंगे तो नोट भीग जाएंगे। सर आप ना अम्ब्रेला लेके जाओ अपने साथ। अम्ब्रेला मैडम है नहीं मेरे पास। पन्नी ओढ़ के चले जाओ सर। पन्नी छोटी है, कैसे ओढ़ेंगे? इतनी बड़ी पन्नी नहीं है कि पूरा ढक जाए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, आइए। शर्मा से बात हो रही है? हाँ, कौन? सर मैं दीपा बात कर रही हूँ टीम इंडिया से। बताओ मैडम। लोन लिया था आपने 4515 रुपए का, पेमेंट नहीं किया सर इसके अभी तक। आपने ये फरवरी में लिया था, 11 फरवरी 2022 में। मैं जान सकता हूँ अभी तक क्यों नहीं किया आपने पेमेंट? अच्छा, 11 फरवरी को लिया था क्या? कब लिया था मैंने? 11 फरवरी 2022। 2022? अच्छा, 22 ही चल रहा है अभी तो। हाँ सर, 22 ही चल रहा है। चेक नंबर कराने के लिए क्या ना कहीं आप 2021 समझे। अरे मैडम, हम ना चक्कर क्या है, हम भूल गए थे लोन लेकर के। चलिए कोई बात नहीं सर, आप भूल गए थे ना तो मैंने यहाँ दिला दिया। अब आप मुझे बताएंगे आप ये पेमेंट कब करेंगे अपना? मैडम अभी तो क्या है, चक्कर क्या है, पूरा कैश पड़ा हुआ है, सब हवाले का पैसा है। अच्छा, पूरा कैश पड़ा हुआ है आपके पास? हाँ, सब कैश। काम करो ना आपका। हाँ बताइए। आप अपने नजदीकी किसी साइबर कैफे पे जाओ, वहाँ पे से जाके करा दो पेमेंट। मैडम ये क्या होता है कैफे, वो जहाँ चाय कॉफी मिलती है? नहीं सर, साइबर कैफे है वो वाला। अच्छा, कैसे नहीं? अच्छा, जहाँ इंटरनेट चलता है। हाँ, अरे मैडम वो सब हमको काम आता नहीं, अब जाए पता चले हमसे पैसे ही कुछ ना ले तो। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अब अरे मैडम, हमारे एरिया में चोरी चमारी बहुत होती ना, हम पता चले कैश लेकर जा रहे हो तो कोई कट्टा लगा कर हमसे छिना ले। चोरी चकारी की ऐसा तो नहीं है ना कि आप जाएंगे नहीं, आप ये भी तो देखिए ना। अच्छा, कितने रुपए है मैडम ये आपकी? सर 4515 तो आपका वही अमाउंट जो तो आपको एक काम करिए ना, किसी को भेज दीजिए मेरे घर पे, हम कैश दे देंगे उसको। ये जब आपने ये लोन लिया था तो आप घर पे नहीं आए, हम आपके घर पे कोई देने नहीं आया था ना, आपको ऑनलाइन ये अमाउंट थी। चक्कर ये था ना, हमको तब लगा था कि हम ऑनलाइन तब तक सीख जाएंगे करना पेमेंट। नहीं नहीं सर, ये अमाउंट ना आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। अरे यार मैडम, आप समझ नहीं रही हो बात को। चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं फिर, हम एक हाँ? लड़के को कल परसों भेजते हैं कैश दे करके। अभी एक तो हमने तो मैडम कल हमने तो कल हमने कल हमने एक लड़के को भेजा था, ठीक है, उसको कैश दिया हमने जा करके, ये पेटीएम करा लो साइबर कैफे में जा करके, और वो लड़का ही भाग गया मैडम पैसे लेकर के मेरे। अब बताइए ऐसे हम इस जमाने में किस पे भरोसा कर ले। अरे तो सर आप खुद जाओ ना, आप पैसों के मामले में किसी के ऊपर क्यों भरोसा कर रहे हो? एक बार हमने ये भी करा था, हम पैसे डाल कर लेकर गए, खुद गए थे जमा कराने, आप पैसे गिर गए थे मैडम, बताइए 10,000 रुपए तो मेरे ऐसे ही गिर गए थे। आप कोई बच्चे थोड़े ना है कि आपने पैसे गिरा दिए, वो तो आप केयरलेस है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपके पैसे आप संभाल के रखिए, संभाल के जाइए। अब हर चीज के जिम्मेदार टीम इंडिया थोड़े ना है। अब आज तो मैडम बारिश हो रही, देखो अगर आज जाएंगे तो नोट भीग जाएंगे। सर आप ना अम्ब्रेला लेके जाओ अपने साथ। अम्ब्रेला मैडम है नहीं मेरे पास। पन्नी ओढ़ के चले जाओ सर। पन्नी छोटी है, कैसे ओढ़ेंगे, इतनी बड़ी पन्नी नहीं है कि पूरा ढक जाए। अब सर मैं क्या बताऊँ आपको, आप किसी अपने नेबर से मांग लीजिए, पर चले जाइए। देखिए क्या ही फायदा है ना, देखिए पेनल्टी लग रही है आपके ऊपर डेली बेसिस पे 1.8% ना। अरे क्या करना है मैडम, लगने तो पेनल्टी, क्या करेंगे इतनी पेनल्टी लगवा करके। तो वही तो मैं कह रही हूँ सर, तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप चले जाइए पेमेंट कराने। उससे क्या होगा पेनल्टी लगने से? पेनल्टी लगने से ये अमाउंट आप पर चला जाएगा। और भरे ना तो? नहीं भरेंगे तो क्लोज नहीं होगा आपका। जो अमाउंट आपको डिस्बर्स हुआ था ये 4515 रुपए, जब आप ये पे कर देंगे तो उसके बाद भी आपके पास कॉल्स आती रहेंगे, आप परेशान होंगे। तो हो सकता है कॉल साल दो साल बाद ये अमाउंट, हो सकता है मैडम 3 साल बाद ये अमाउंट बढ़कर लाखों में चला जाए। हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर, अगर आप नहीं करोगे तो। मैडम तब देंगे पैसे जब 1,00,000 रुपए हो जाएंगे। सर ये तो कोई बात नहीं होती है कि अब तब देंगे। कोई नहीं मैडम, हम दे देंगे, काम करते हैं। आज बारिश हो रही है, बारिश बंद हो
हम जाते हैं कैश जमा करते हैं फिर पेमेंट करते हैं, और तो इन केस अगर बारिश नहीं रुकी तो कल हम सुबह 4-5 बजे उठ करके हम चले जाएंगे। क्या थी? अगर बारिश आज नहीं बंद हुई तो हम सुबह 4-5 बजे कल उठेंगे और जा करके कैश जमा कराएंगे एटीएम पे जा करके 4-5 बजे सुबह के। हाँ तो कौन सा बैंक खुलता है आप मुझे बताएंगे? मैडम वो एटीएम वाली मशीन होती है ना, इसमें पैसे जमा होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाली मशीन तो सर वो तो रात को भी खुली होती है तो सुबह को ही जाना है। हाँ मैडम सुबह उठेंगे, सुबह उठना अच्छा होता है सेहत के लिए। अरे तो सर सेहत के लिए तो अच्छा है, पेमेंट से उस चीज का क्या मतलब है आप ये तो बताओ मुझे। तो अभी अगर बारिश बंद हो गई तो हम रात को चले जाएंगे। अच्छा हाँ अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही मैडम, अभी हम अभी मैडम आप चाहो तो मैडम आप चाहो तो वीडियो कॉल कर लो, अभी हम बाहर निकले थे ठीक है, हमें वो लेने जाना था बिस्किट लेने जाना था, हम बाहर निकले मेरे घर के बाहर मैडम ऐसा पानी भरा हुआ था, फिर वो जो टब होता है ना जिसमें कपड़े धुलते हैं पानी भरते हैं उसमें बैठ कर गए थे मैडम तैरते हुए, नाव तो थी नहीं मेरे पास। आई एम सॉरी दैट्स नॉट अ वैलिड एक्सटेंशन। हेलो ट्राई अगेन। बताओ अभी तक नहीं किया, 25 दिन के लिए लिया था। हैं बताइए आप, ऐसे थोड़े ना होता है मैडम, हम तो जा रहे थे बारिश हो रही थी क्या करें बताइए, पानी भरा हुआ है गली में। नहीं सर पर ये चीज तो गलत है ना, आप खुद देखे ना, अगर आप किसी को पैसे दो और आपने 25 दिन के लिए दिया और अरे मैडम हम किसी को अगर पैसे दे भी ना, सुनिए हम अगर किसी को पैसे देते हैं ना तो हम गाली गलौज नहीं करते मैडम, हम तो दे के भूल भी जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार जा वो भाई तब दे देना तुम्हारे पास, हम तो इतना मांगते भी नहीं मैडम। तो भूल गए क्या लेने के बाद हैं? ये वाले भी लेने के बाद भूल गए क्या आपकी वापस भी करने? हाँ हमको तो लगा कि मतलब ठीक है, हमें एक दोस्त ने बताया था कि भाई ये कंपनी पैसे दे रही है ले लो, फिर पैसे देने के बाद ये फोन वोन बहुत करते हैं रिश्तेदारों को। फ्री में पैसे थोड़े ना दे देता है कि आप भंडारा भंडारा करा ले। नहीं नहीं सही कह रहे हैं, अपनी मीडिया भंडारा कराने के लिए पैसे थोड़े ना दे रही है। नहीं नहीं मैडम आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज है आपकी बात, आप अपनी जगह एकदम सही हो, लेकिन आप मेरी परेशानी समझो, अभी पानी भरा हुआ है गली में, अब हम अभी हम गए थे मैडम टब लेकर गए थे जिसमें कपड़े धुले जाते हैं उसमें बैठ करके और एक डंडा मैंने लिया, चलाते चलाते हम टब गए थे बाहर दुकान पे और बिस्किट लेकर आए हैं, उसमें भी पानी भर गया टब में और डूबते डूबते बचे समझ लीजिए एक तरीके से, नाव नहीं जैसे नाव में पानी भर जाता नाव डूब जाती है, वही सीन होने वाला था मेरे साथ अभी, तो फिर हम घर आ गए, फिर हमने कहा आप भैया हम नहीं जाएंगे कहीं पर भी जब तक बारिश बंद नहीं होती है। डूबे तो नहीं ना सर आप? अरे मैडम क्या चाहते हो आप डूब जाए घर वालों के इकलौते एकदम। चलिए फिर आप आज अपना पेमेंट ही अपने अकाउंट में डलवा के कल कर दीजिएगा लेकिन कन्फर्म ठीक है? हाँ हाँ मैडम कर देंगे आप टेंशन ना लो जी, ठीक है सर। और सब बढ़िया मैडम जी? सर ठीक है मैडम, ठीक है सर, थैंक यू। ओके मैम वेलकम।